नमस्कार, जय हिंद। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मैं राधेश्याम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दिनांक 16 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में एक सक्रिय हुए नए मानसून सिस्टम की। सबसे पहले यदि सैटेलाइट पिक्चर पर एक नज़र डालें तो आप देखेंगे कि फिलहाल नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश और आसपास के लगने वाले पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों के ऊपर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से पिछले दो दिनों से लगातार राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मानसून सक्रिय हुआ है। पिछले 24 घंटों में भी देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश झालावाड़ जिले में 157 mm दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी बीकानेर, इसके अलावा आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश और एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी रिपोर्ट की गई है। बात करें यदि आगामी दिनों में फोरकास्ट की तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम का जो सबसे ज़्यादा असर है वो दक्षिणी राजस्थान के यानी उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी जो इलाके हैं, चाहे जयपुर संभाग है, भरतपुर, इसके अलावा जो गंगानगर, बीकानेर और आसपास के जिले हैं, यहाँ पर भी अगले दो दिनों के दौरान मानसून सक्रिय रहेगा। इन इलाकों में रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के दौर जो है वो देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर को यदि बात करें तो ये सिस्टम जो है वो थोड़ा और पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और इसका असर जो है वो उदयपुर संभाग में भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। शेष इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो राजस्थान के इलाकों में चालू जारी रहेगी। 18 सितंबर को यदि देखें तो ये सिस्टम और धीरे धीरे जो है वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, तो इस सिस्टम का असर जो है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के यानी जो बाड़मेर और जालौर का इलाका है वहाँ पर भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। शेष इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी होगी, यानी फिलहाल जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इसका असर राजस्थान में अगले 2-3 दिनों तक एक्टिव मानसून सिस्टम के रूप में देखने को मिलेगा। चेतावनी की यदि बात करें तो भारी बारिश का जो अगले 24 घंटों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से विशेष रूप से अत्यंत भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है वो 4 ऐसे जिले हैं, विशेष रूप से झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसके आसपास के लगने वाले जो ज़िले हैं यानी कोटा संभाग के ज़िले, इसके अलावा उदयपुर संभाग के ज़िलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यहाँ पर कहीं कहीं अति भारी बारिश भी हो सकती है। ग्रीन कलर वाले जिले हैं इनमें हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो कुछ स्पेल्स के रूप में देखी जाएगी। इसके अलावा 17 सितंबर को भी लगभग दक्षिणी राजस्थान के वही इलाके हैं जो भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में रेड अलर्ट है। इसके अलावा जो सिरोही, उदयपुर और जालौर के ज़िले हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट हो सकती है। 18 सितंबर को यदि देखें तो इसका असर जो है वो दक्षिण पूर्व से भी खत्म होता हुआ दिखेगा, केवल जो साउथ वेस्ट राजस्थान के इलाके हैं बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के इलाकों में यहाँ पे कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आज मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से एक विशेष प्रेस रिलीज भी जारी की गई है। आगामी दिनों में एक्टिव हुए मानसून सिस्टम के मद्देनज़र किसान भाइयों के लिए विशेष रूप से सलाह जारी की गई है कि जिन किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो विशेष रूप से पककर तैयार है या कटकर अभी भी खुले आसमान में या खेतों में पड़ी है तो उनको भीगने से बचाने के लिए कृपया यथासंभव उपाय करें। इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में यदि खुले में अनाज या जिनसे रखी है तो उनको भी पानी से या बारिश के पानी से भीगने से बचाने के लिए उपाय करें। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए कृपया मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के सोशल मीडिया पेज से भी आप अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की वेबसाइट भी आप लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।